ऊपर वाला भी, जैसे ऊपर का मैं पूछ रही हूँ ना, तो वो ये कह रहे हैं कि नीचे है, नीचे मेरे को ये कहा गया कि जी ऊपर है, तो उसकी जगह लेकिन जब मैं नीचे पूछा तो आपने ऊपर भेज दिया कि जी वो तो ऊपर है, ऊपर थोड़ा काम करने के लिए आया हुआ था जी साहब ने। तो आप संभाल रहे हो ना ये? हाँ, मैं देख रहा हूँ। तो भाजपा की सांसद सुनीता दुग्गल ने आज टोहाना के बिजली घर में दबिश दी, और इस दौरान जब सांसद दुग्गल ने शिकायत संबंधित अधिकारी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो सांसद महोदया को ही आम जनता की तरह एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर भेज दिया गया। एक सोलर बिजली उपभोक्ता की शिकायत पर सुनीता दुग्गल ने बिजली घर में दबिश दी थी, लेकिन जिस तरह से उन्हें इधर से उधर दौड़ाया गया, उसको लेकर सांसद ने अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। क्योंकि यहाँ पे जो सीए था वो तो छुट्टी पे गया हुआ, दो महीने उसको भी प्रॉब्लम थी फिजिकल, तो देवीलाल जो सीए उसी को चार्ज किया। देवीलाल आए हुए आज? आए हुए, एक बार बुला के लाओ। प्रोसेस का पार्ट है। अच्छा। जिसके पास एक नॉर्मल कंज्यूमर है, या चाहे वो सोलर का है, चाहे वो एचटी का है, एलपी का है, इंडस्ट्री का है, ठीक है, तो आपके पास चार्ज है वो यहाँ का है, ओवरऑल रेवेन्यू उनका जो है। नहीं, ऊपर वाला भी, जैसे ऊपर का मैं पूछ रही हूँ ना, तो वो ये कह रहे हैं कि नीचे है, नीचे मेरे को ये कहा गया कि जी ऊपर है। मैडम नीचे सिटी ऑफिस है, ऊपर वाला सब अर्बन ऑफिस है। आप बता दो भी यहाँ पे आपको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। चार्ज अभी दिया था जी, वो एक जो यहाँ के थे सीए साहब छुट्टी चले गए थे, तो उसकी जगह मेरे को। लेकिन जब मैं नीचे पूछा तो आपने ऊपर भेज दिया कि जी वो तो ऊपर है, ऊपर थोड़ा काम करने के लिए आया हुआ था जी साहब ने। तो आप संभाल रहे हो ना ये? हाँ, मैं देख रहा हूँ। दरअसल मनोज बिश्नोई नाम के एक सोलर बिजली उपभोक्ता ने सुनीता दुग्गल को शिकायत दी थी कि उन्होंने अपने पेट्रोल पंप पर सोलर एनर्जी के लिए प्लांट लगवाया था, और उस प्लांट के जरिए बिजली तैयार कर वह बिजली निगम को सप्लाई भी कर रहा था, लेकिन बावजूद इसके दो साल बाद अचानक उसे 2.5 लाख रुपए का बिजली बिल थमा दिया गया है। उपभोक्ता की इसी शिकायत पर सुनीता दुग्गल बिजली घर में दबिश देने पहुंची थी, जहां क्या कुछ हुआ जरा सुनिए। रतिया रोड पे, तो मेरे को वहाँ सोलर प्लांट लगाया था मैंने, दो साल हो गए प्लांट लगाए हुए का पंप है, पेट्रोल पंप। अच्छा, वहाँ पे मैंने सोलर प्लांट लगाया और दो साल हो गए पंप लगाए हुए सोलर प्लांट को, और मेरे पास 2.5 लाख का बिल बना के भेज दिया। नहीं, इसमें क्या आपने नेट मीटर लगाया या आप ऑफ ग्रिड लगाया? मतलब नहीं, मैं बिजली वाले को बिजली बना के वापस दे रहा हूँ। नहीं, मेरा सिंपल सा हुआ है, आपने एक होता है कि जैसे पेट्रोल पंप पे क्या ऑफ ग्रिड लगाते हैं जनरली, क्या जैसे धूप में? नहीं, धूप वाला नहीं है, ग्रिड है, मतलब मैं प्लांट दे रहा हूँ, बिजली वापस बिजली बना के दे रहा हूँ, नेट मीटर लगा हुआ है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें कोई चेक कर लेना जी, आपकी 2 साल से अभी तक बिल नहीं आया जी। तो देखो, दो साल से नहीं आया जी, मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन नॉर्मल बिल इसको जा रहा है, उसके बाद मैं यदि आपकी नॉर्मल बिल भी नहीं आया जी, नॉर्मल बिल भी नहीं आया 2 साल से ना, कुछ भी नहीं आया 2 साल। इकट्ठा ही कहते हैं कि इकट्ठा, परसों मेरे को पिछले हफ्ते शुक्रवार को इनका जो लाइनमैन था उसने मेरे को बोला जी आपका 2.5 लाख रुपए का बिल आ गया, बोला मेरे को हिस्ट्री दे, मैं दिखाता हूँ आपको जी। चलो कोई नहीं, आप इसको ऐसा है कोई मैं देख लेता हूँ, आपके कोई इसमें यूनिट आपकी एडजस्ट हो रही है नहीं हो रही, जो आप जो बिल कैसे बनाया कैसे नहीं, हमने तो पूरी डिटेल मांग ली। हमारे कहने का मतलब यही है कि इसको रिन्यूएबल एनर्जी को एनहांस करने के लिए, इसको जो अप्रिशिएट करने के लिए ही मोदी जी ने ये कहा कि जगह जगह आप लोग सोलर प्लांट लगाओ। अगर वो सोलर प्लांट लगाने के बाद उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, तो वो अगर एडजस्ट नहीं होगी तो फिर लोगों का जो है वो धीरे धीरे सोलर से जो है मैं देख लेता हूँ कितनी, इसमें सारी डिटेल आ जाती है कितनी जनरेट हुई है, कितनी इन्होंने हमारे सिस्टम से लिया है, और उसका जो डिफरेंस है सिर्फ उसी का ही बिल ऊपर है। बता दें कि शिकायत की जानकारी को लेकर आम जनता की तरह इधर से उधर भेजे जाने के बाद सांसद सुनीता दुग्गल ने नाराजगी जताई, तो मौके पर मौजूद टोहाना के XEN देवेंद्र अत्री ने सुनीता दुग्गल को आश्वस्त किया कि संबंधित कर्मचारी अस्वस्थ होने के चलते 2 महीने से छुट्टी पर हैं, लेकिन इस पूरी व्यवस्था को ठीक करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, XEN ने यहां तक कि ये भी आश्वासन दिया कि शिकायतकर्ता ने अपने सोलर प्लांट के जरिए जो बिजली तैयार कर विभाग को दी है, उसका एडजस्टमेंट करवा कर ही बिल बनाया जाएगा। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।